नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है ऑन द स्पॉट 24 न्यूज चैनल पर। आज रविवार का दिन है और आज का मुख्य रूप से फैसला ऑन द स्पॉट कार्यक्रम के तहत किसी नए मुद्दे को लेकर के जो है जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम शुभेंदु कुमार है और हर रविवार को जैसा कि आपके समक्ष किसी नए मुद्दे को लेकर के आते हैं और उनकी पूरी जानकारी बताते हैं। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है वह भारत का संविधान। जैसा कि आपको पता है कि दो दिनों पूर्व जो है 26 नवंबर को पूरे देश में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया और वाकई में क्या जो संविधान देश का बनाया गया, जिस लोगों के द्वारा बनाया गया, जिन महानुभावों ने इस संविधान की रचना की है, क्या वह संविधान वाकई में भारत में पूर्ण रूप से लागू हो पाया है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से इस बात की चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में आखिर क्या कुछ है। तो चलिए जानते हैं फैसला ऑन द स्पॉट पर भारत का संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की सभा जो उस समय थी उसमें 389 लोग जो है उनके सदस्य थे और जब संविधान सभा का जब कार्यकाल जो है चलता रहा तो कहा जाता है कि संविधान की 105 बैठक हुई और 12 अधिवेशन जो है पूरे भारत में बुलाए गए थे। इसके बाद जो है संविधान का निर्माण हुआ और कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वह भारत की आत्मा है और इस आत्मा को बनाने में जो 389 लोगों ने जो मेहनत की उसमें कहा जाता है कि 60 देशों से लगभग जो है भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया तो 60 देशों से जो है कुछ न कुछ जो है उनके संविधान से लिया गया और उसको जो है इस संविधान जो भारत का बना उसमें आत्मसात किया गया। तो मूल रूप से कह सकते हैं कि 105 बैठक, 12 अधिवेशन, 60 देशों से लिया गया संविधान की कुछ अच्छाइयाँ और इसके बाद जो है 389 लोग जो है उन्होंने मेहनत कर भारत के संविधान को बनाया। इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य है कि संविधान का जो आत्मा जो तैयार हुआ, भारत की आत्मा जिसे कहते हैं, उनमें किन लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो जो मेरे पास जानकारी है कहा जाता है कि भारत की संविधान की सभा में 289 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सबसे पहला हस्ताक्षर जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और अंतिम जो हस्ताक्षर है वो भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अंतिम हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसमें एक और रोचक तथ्य है कि अक्सर लोग सिर्फ डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर का नाम जानते हैं, बाबा साहेब जो थे वो भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ जो थे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेहनत कर भारत के संविधान की रचना की थी। तो संविधान सभा के लेखक भी जो थे वो थे मूल रूप से जो कहा जाता है कि प्रेम बिहारी रायजादा, वह जो है संविधान सभा के द्वारा उनको लेखन के लिए चुना गया था और उन्होंने ही पूरे संविधान को लिखित रूप में तैयार किया था और कहा जाता है कि उन्होंने मेहताना के रूप में कुछ नहीं लिया था और उन्होंने पूरे कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से भारत के संविधान को लिखा, जो वर्तमान में भारत संविधान की जो मूल प्रति है जो संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई है वह आज भी भारत के जो है सेंट्रल लाइब्रेरी जो है ग्वालियर की उसमें रखी गई है और आज भी लोग उसके जो है दर्शन करने लोग बड़े बड़े लोग जो है जो भी अतिथि आते हैं भारत की यात्रा पर तो वो लोग जब इच्छा करते हैं तो वो वहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी जो ग्वालियर में स्थित है वहाँ पर वो संविधान की जो मूल प्रति है उसका दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान बना और संविधान बनने के बाद जो भारत के लोगों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि कवच है लोकतांत्रिक व्यवस्था की। अब चूंकि मुख्य रूप से इस बात की चर्चा होनी है और इस बात की जानकारी हम लोगों को चाहिए, क्या वाकई में जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, क्या वह वाकई भारत का संविधान हर नागरिकों के लिए जो संरक्षण
इसमें दिए गए क्या वाकई संरक्षण इस देश में लागू हो पाया है? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो भारत की स्थिति है काफ़ी असमानता की स्थिति हो गई है। हर लोगों के पास जो है कह सकते हैं कि असमानता की जो स्थिति हुई है, जहां कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह काफ़ी बढ़ गई है, और कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे कि वह अपने जीवन को चला सके। तो असमानता का जो दौर है वह भारत के संविधान में जो न्याय, समानता, आर्थिक आज़ादी, जितने भी प्रकार के जो संरक्षण भारत के नागरिकों के लिए दिए गए थे, लेकिन क्या वाकई वह सही रूप से लागू हो पाया है? आप देख रहे होंगे कि भारत के संविधान जो पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो एक दिन पूर्व जो है पूरे भारत में हर कार्यालय में पुलिस से लेकर के थाने से लेकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के उपायुक्त से लेकर के सचिवालय तक में जो है भारत की संविधान दिवस के अवसर पर जो है सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और प्रस्तावना को पढ़ा गया और कहा गया कि भारत के संविधान के अनुसार जो है हर नागरिकों का संरक्षण करेंगे, जो भी संविधान में दिए गए जो मूल कर्तव्य है उसका पालन करेंगे। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि क्या वाकई जब सरकारी कर्मचारी भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जब दिवस पर पढ़ते हैं, तो एक दिवस पर तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो 364 दिवस हैं साल में, 365 दिन हैं, तो एक दिन तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या वो 364 दिन उस चीज़ को लागू करते हैं भारत की जनताओं पर? यह सबसे बड़ा प्रश्न है और सोचने वाली प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है वह हर नागरिकों के लिए समान है, लेकिन फिर भी समानता के अधिकार के बावजूद भी हर लोगों के पास जो है समस्याओं का अंबार है। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाला, अन्याय का जो वर्चस्व है वह पूरे तरीके से जो है भारत पर जो है एक प्रकार से हावी हो रहा है। वर्तमान में जो सरकारी व्यवस्था है, दो प्रकार के सरकारी व्यवस्था भारत में चल रही है, एक है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर। कानून व्यवस्था, भूमि संबंधी कानून, राज्यों के जो मूल रूप से कह सकते हैं कि जो भी विकास की संभावनाएं हैं उनको राज्य को दिया गया है कि राज्य अपने स्तर से अपने नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था करे भारत के संविधान के अनुरूप। और जो भारत का जो केंद्र शासन प्रणाली है वह मूल रूप से भारत के संविधान के अनुसार जो है कह सकते हैं कि राज्यों के बीच की स्थिति को दूर करना, और संघ एक प्रकार से कार्य करता है संरक्षण की भूमिका में। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का संविधान जो है उसमें केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए दोनों के लिए जो है विषय सूची तैयार की गई है। केंद्र की विषय सूची अलग होती है, राज्यों की विषय सूची अलग होती है, उसके अनुसार जो है भारत का जो संविधान बनाया गया है, लेकिन सभी सूची के अनुरूप भी जो है एक समवर्ती सूची भी होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है उस पर कार्य करती है, लेकिन मूल रूप से भारत का जो संविधान है उनके अनुसार केंद्र सरकार ही जो है वास्तविक रूप से शासन करती है, और मूल रूप से शासन व्यवस्था का जो हस्तांतरण है वह केंद्र सरकार के पास ही होता है। लेकिन इस बिंदु पर हम लोग ज़्यादा फोकस या को जानकारी नहीं देना चाहेंगे। मूल रूप से विषय यही है कि भारत का जो संविधान है क्या वाकई में भारत का संविधान वर्तमान स्थिति में लोगों की जो संरक्षण की भूमिका है वह निभा पा रही है कि नहीं निभा पा रही है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो शासन प्रणाली है कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो परंपरा है, कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था प्रणाली, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने इसकी व्याख्या की थी। लेकिन वर्तमान में जो नज़र आ रहे हैं नेताओं का
और नौकरशाहों के द्वारा और चाटुकारों और पूंजीपतियों के लिए शासन व्यवस्था वर्तमान में दिखती हुई दिख रही है। तो क्या वाकई में संविधान दिवस हर लोग मना रहे हैं? खास करके सभी सरकारी कर्मचारी, सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने संविधान की जो शपथ ली और प्रस्तावना को पढ़ा कि हम पूरे भारत में जो है समानता न्याय के साथ जो है प्रणाली को लागू करने में अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, लेकिन जब यह पढ़ने के बाद जब भूल जाते हैं तभी भारत की जो आत्मा है, भारत का संविधान है, वह एक प्रकार से टूट जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक भारत के संविधान के प्रस्तावना को ठीक ढंग से भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो भारत के तीन प्रमुख अंग हैं, वह भारत के प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, तब तक इस संविधान दिवस का मनाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक भारत के संविधान को लागू ठीक ढंग से नहीं किया जा सकेगा, तब तक जो भारत के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, वह एक प्रकार से कहा जाएगा कि भारत का संविधान, भारत की जो आत्मा है, वह इन तीनों लोगों के द्वारा जो है ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि भारत की जो लोग हैं वो आज भी भारत के संविधान के अनुरूप जो है उनको शासन प्रणाली में कह सकते हैं कि विश्वास जो है टूट। कार्यक्रम में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी आप लोगों को बताई जाती हैं और आज 27 नवंबर है और आज का प्रमुख जो इतिहास है, कहा जाता है कि 27 नवंबर की ही वह तारीख है जहां से भारत पर जो है इस्लामिक शासकों के द्वारा प्रथम नींव पड़ी। और कहा जाता है कि 27 नवंबर 1001 ईस्वी को गजनी के सुल्तान जो थे, सुल्तान महमूद, उन्होंने महाराजा जयपाल पर आक्रमण किया था। एक दूसरा तथ्य भी है कि 17 बार उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन 17 बार हारने के बाद 18वीं बार जो जीत मिली वह 27 नवंबर 1001 ईस्वी को ही मिली। और इसी दिन जयपाल जो हार गए, उसके बाद से इस्लामिक सभ्यता की भारत में शुरुआत हो गई। और आज का दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में यह महत्वपूर्ण तिथि है, भारत के इस्लामिक शासकों के द्वारा प्रथम जीत जो है कहा जाता है। और इसी के साथ ही जो है भारत में इस्लामिक सभ्यता और शासकों की शुरुआत हो गई थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 27 नवंबर 1947 को एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। क्योंकि पता है आप लोगों को कि स्कूल, कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय में एनसीसी का द्वारा ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह एक बेहतर नागरिक बन सके और देशभक्ति का जो जज्बा है उनमें बना रहे। तो यह था आज का महत्वपूर्ण इतिहास। कैसा लगा यह कार्यक्रम आपको? अगर अच्छा लगा तो आप ऑन द स्पॉट 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।